उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हितैषी होने का दावा भले ही करती हो, लेकिन केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि प्रदेश सरकार नाच गानों पर जितना खर्च करती है उतना भी धन किसानों की राहत के लिए जारी नहीं किया गया। फतेहपुर जिले के दौरे पर आए निरंजन ज्योति ने अधिकारियों के साथ बैठक लेने के बाद कहा कि प्रदेश की अखिलेश सरकार इटावा और सैफई में सिमट कर ही रह गई है। उनका कहना था कि सैफई महोत्सव के नाम पर 300 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने वाली सपा सरकार ने पूरे प्रदेश के किसानों के सहायता के लिए मुआवजा देने के नाम पर केवल 200 करोड़ रुपए की धनराशि ही जारी की है। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार द्वारा फसलों के नुकसान की सही रिपोर्ट केंद्र को नहीं भेजने के कारण किसानों को केंद्रीय मदद मिलने में देरी हुई है, क्योंकि किसानों की पीड़ा वही समझ सकता है जो किसानों के बीच में रहता है। किसानों के बीच से निकल के गया, किसानों की पीड़ा वो समझ सकता है। मैं एक और बात कहना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए 200 करोड़ के लिए दिए, सैफई महोत्सव में 300 करोड़ खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब सैफई ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, किसान महत्वपूर्ण नहीं रह गया। सैफई में 300 करोड़ और किसानों के लिए 200 करोड़, अरे जितना तुमने सैफई में खर्च किया है उतने किसानों के लिए दे दे।